हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं युवराज मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट्स। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, टाटा पंच वर्सेस टाटा नेक्सॉन का डिटेल्ड कंपैरिजन के साथ साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको टाटा पंच वर्सेस टाटा नेक्सॉन में से कौन सी कार लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए और कौन सा वेरियंट लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है तो पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कौन सी आपको कार लेनी चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ऐसे वीडियोज आपको मिलेंगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो टाटा पंच है और टाटा नेक्सॉन है दोनों ही डिफरेंट सेगमेंट्स की कार हैं। टाटा पंच जो है वो मिनी एसयूवी सेगमेंट में आती है, जो कि उसके कॉम्पिटिटर हैं इग्निस वर्सेस केयूवी, दो कॉम्पिटिटर्स हैं, ज़्यादा कॉम्पिटिटर उस सेगमेंट में है नहीं। एंड और जो टाटा नेक्सॉन है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेगमेंट है इंडिया कार मार्केट में। तो यहाँ पे टाटा नेक्सॉन के राइवल्स तो बहुत है, उसकी तो वीडियो फिर अलग बन जाएगी। अगर आप टाटा नेक्सॉन क्यों लेते हैं उसी सेगमेंट में, आप नेक्सॉन के सेगमेंट में, तो वो तो अलग वीडियो बनेगी। बट यहाँ पे टाटा पंच वर्सेस टाटा नेक्सॉन की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं पहले एडवांटेजेस बता देता हूँ टाटा नेक्सॉन के ओवर टाटा पंच। तो यहाँ पे फर्स्ट एडवांटेज क्या है, आपको दो पावर ट्रेन मिलते हैं नेक्सॉन में, पेट्रोल और डीजल। बट जो पंच लेने जा रहा है नॉर्मल सा बंदा, मतलब जो पंच लेने जाएगा उसको ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल ही चाहिए होगी, क्योंकि पंच जो है वो डीजल पावर ट्रेन में आती ही नहीं है। तो वो डीजल इंजन नेक्सॉन का आप हटा दें। अब यहाँ पे मैं आपको बात करा देता हूँ जो पावर ट्रेन है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। नेक्सॉन का जो पेट्रोल इंजन है वो टर्बो इंजन है, बट जो पंच का है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। एंड पंच जो है वो 86 NPS ऑफ पावर जनरेट करती है विथ 115 NM ऑफ टॉर्क, 115 NM ऑफ टॉर्क के साथ। एंड जो टाटा नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन है वो टर्बो चार्ज्ड है और वो 120 PS ऑफ पावर एंड 170 NM ऑफ टॉर्क जनरेट करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है टाटा पंच से। और आपको टाटा पंच अगर स्पेस की बात कर ली जाए और खुला खुला, मतलब आपको फील कैसा आता है अगर आप पांच बंदों के साथ बैठते हैं, तो टाटा नेक्सॉन में आप आराम से जा सकते हो लॉन्ग राइड्स विद 5% फुल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है लॉन्ग लॉन्ग टूर्स में। बट जब आप टाटा पंच में जाओगे तब आपको यार, एक्चुअली ये मेरा पर्सनल वो है, मैं पंच जाके देखा एंड मेरे एक सब्सक्राइबर है वो भी जाके देखे, तो उनको भी ऐसा सेम फील हुआ कि अगर आप पीछे तीन पीपल्स पर्सन बैठा लेते हो तो बैठ तो जाएंगे बिकॉज फ्लैट फ्लोर है, बट 3 fatty persons नहीं बैठ पाएंगे, 2 fatty + 1 आपको चिल्ड्रेन बैठाना पड़ेगा। तो वो चीज़ पंच के साथ आती है बिकॉज पंच जो है वो छोटी है, बट टाटा नेक्सॉन बड़ी है इस वजह से। और लेग रूम की हम लोग बात कर लें तो ऑब्वियस सी बात है टाटा नेक्सॉन में लेग रूम ज़्यादा ऑफर किया जाता है टाटा पंच से, एंड प्रैक्टिकलिटी में भी टाटा पंच का लेग रूम जो है नेक्सॉन से कम है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ बाकी एक्सपेक्ट्स की, फीचर्स के मामले में आपको ग्राउंड क्लियरेंस ये कोई फीचर्स में जरूर नहीं आता, बट एज आप एसयूवी ले रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल बना देता है। 209 NM का ग्राउंड क्लियरेंस है टाटा नेक्सॉन का एंड 187 NM का ग्राउंड क्लियरेंस है टाटा पंच का। तो इसमें भी आपको डिफरेंस दिखेगा, अच्छे से दिखेगा, बट टाटा पंच का इंट्रो में आप देख सकते हो, मतलब जो टाटा मोटर्स ने रिलीज किया था कि उसमें बहुत ऑफ रोडिंग करते हुए दिखाए थे, तो एज कैपेबल पंच भी है। अगर मैं अगर सजेस्ट करूँगा या आप खुद जाके भी चेक करोगे, अगर आपका बजट 10 lakhs का है, अगर 10 lakhs में आपको क्रिएटिव वेरिएंट मिलता है टाटा पंच का, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप टाटा नेक्सॉन के XMS वेरिएंट पे जाएं या XZ वेरिएंट पे जाएं या प्लस वेरिएंट पे जाएं, बिकॉज वो आपको ज़्यादा फीचर्स तो आपको प्रोवाइड कराएगा ही कराएगा। एक आपको एयरी कैबिन प्रोवाइड कराएगा, आपको एयरी फील होगा, मतलब वो आपको कंजेस्टेड कैबिन आपको पंच में फील होगा अगर आप 5% बैठाते हैं तो वो कंजेस्टेड टाइप लगेगा, बट नेक्सॉन में ऐसा कुछ नहीं है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पे आपका 10 lakhs बजट है तो क्रिएटिव वेरिएंट छोड़ के आप नेक्सॉन पे शिफ्ट कर लीजिए, बहुत सही डिसीजन रहेगा, आप दोनों चला के देखिएगा। एंड पंच जिनके लिए है मैं उनके लिए बता देता हूँ, पंच जो है वो आप बेस वेरिएंट लीजिए, मिड वेरिएंट लीजिए, एंड जिनको सिर्फ फीचर्स चाहिए और टॉप मॉडल ही लेनी है तब वो पंच पे जा सकता है। अगर उनका प्राइस नेक्सॉन के टॉप वेरिएंट तक है और वो कंफ्यूज हैं तब आप नेक्सॉन पे ही जाइए, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं ये नया प्रोडक्ट आया है ज़्यादा अच्छा है फ्रेश है इसको ले लेते हैं, बट नहीं, अगर आपका जो बजट है वो नेक्सॉन का है, मतलब नेक्सॉन तक आप एक्सीड कर सकते हैं और आप पंच देख रहे हैं तो नेक्सॉन पे जाइए, ऑफकोर्स उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं कुछ ऐसे फीचर्स बता देता हूँ जो पंच में है नेक्सॉन में नहीं है, तो ऐसा बहुत कम नंबर्स ऑफ फीचर्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
ये जो आपका MID है ये कोई फीचर्स में नहीं आता, बट इट्स लुक यार इम्प्रेसिव। आप देखोगे तो उसमें अल्ट्रोज, हैरियर एंड सफारी में यही MID आता है, एंड पंच में भी अब यही आने लगा है। तो ये वाला MID मुझे ज़्यादा अच्छा लगा जो सेमी डिजिटल पंच में आता है, अल्ट्रोज और हैरियर सफारी में आता है, बट नेक्सॉन वाला जो टियागो टिगोर में आता है वही कैरी फॉरवर्ड किया गया, तो मुझे ये नहीं अच्छा लगता। सो एक ये चीज़ है। एंड पंच में भी आपको आयरा कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, जो कि एक यार बहुत सही चीज़ है। आपको टाटा मोटर हर प्रोडक्ट में आयरा दे रहा, बट यार इट्स आप अच्छी चीज़ नहीं कर रहे, आप हैरियर में नहीं दे रहे आयरा। मुझे एज अ सैड फील हो रहा है हैरियर के लिए। आप हैरियर में भी अपग्रेड्स कीजिए, अगर कोई टाटा मोटर्स का बंदा देख रहा है तो आपको हैरियर में भी थोड़ा सा अपग्रेड देना चाहिए। एंड यहाँ पे XMS अगर आप लेंगे नेक्सॉन का, तो आपको उसमें सनरूफ मिलेगा, जो कि आपको पंच के टॉप मॉडल में भी नहीं ऑफर किया जाता, बिकॉज वो बिलो सेगमेंट कार है, एंड नेक्सॉन जो वो अबव सेगमेंट कार है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है। एंड यहाँ पे अब मैं बता दूँ नेक्सॉन का एक मेजर फीचर जो कि आप समझ देख सकोगे, नेक्सॉन में आपको तीन मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट्स। एंड पंच में आपको ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, बट स्पोर्ट्स मोड नहीं मिलता, सिर्फ सिटी एंड इको मोड मिलता है। एंड यहाँ पे एक फीचर है जो मेरे समझ से थोड़ा सा गेमिंग फीचर क्या दिखावटी फीचर है, आप ने पंच का AMT चलाएंगे तो आपको उसमें अगर स्लश में आपकी कार जाएगी तो ट्रैक्शन प्रो मोड ऑन हो जाएगा। तो इट्स लाइक अ गेमिंग फीचर, यूज़फुल है, बट एज अ उनको एक फीचर लिस्ट में ऐड करने के लिए उन्होंने गिमिक टाइप का, जैसे महिंद्रा ने ट्राई किया वैसा दिया इन्होंने। अब नेक्सॉन की बात करें तो नेक्सॉन में आता ही है ये फीचर, तो अगर आप टॉप वेरिएंट पे जा रहे हैं तो आप नेक्सॉन लीजिए, अगर बेस मिड पे जा रहे हैं तो पंच लीजिए। वीडियो बताइए कैसी लगी।